हाथ देवता का एक पद होता है यहां पर मैक्स इज दिस फिजिबल राइट मेकिंग बॉक्स है यार नाइन बाई नाइन ग्रिड का क्या मतलब होता है एट्टी वन पद नाइन बाई नाइन ग्रिड से एट्टी वन पद बनते हैं

Now, what is the difference between the two? To understand this is important. This is usually or rather been used for R E L R E G L I -E, religious G I O U S Religious <coughs>

का सवा साढ़े छः का टाइम था वो साढ़े सात आई आया लॉर्ड ऑफ करते आ जाता फिर आपके पास मिल लेते अरे रियली सॉरी नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब चारू मैडम रखेंगे प्रोग्राम तभी हाँ अदरवाइज भी आ सकते हैं ऐसा क्या बात है <laughs> अब आपका शेड्यूल सारा प्रोग्राम से रिलेटेड ही होता है सारा शहरों के घूमने का नेक्स्ट टाइम अहमदाबाद में हुआ है

कवर्ड बाई फोर्टी फाइव देता दिस इज यूजली दिस इज यूज फॉर रिलीजियस प्लेस वेल के रिलीजियस प्लेस सो पूजा रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए सी टी आई वी आई टी आई एक्टिविटीज के लिए आठ बाई आठ का ग्रिड यूज होता है ओके नाउ कमिंग टू दिस और इन अदर वे दिस इज फॉर नॉन मैनिफेस्टेशन ऑफ

एक्टिविटी बेटलिस्टिक एक्टिविटी की मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं होता दिस इज फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिर एक्टिविटीज राइट सो कमिंग टू नाइन बाई नाइन एटी वन देवता एटी वन ग्रेड कवर्ड बाई फोर्टी फाइव देवता दिस इज फॉर वर्ल्डली मैटर्स That is manifestation of anything that covered by material activities, right? That is where the difference. So we are <coughs> going to do 81 grid devta.

मैंने ज्यादा गड़बड़ी लिख दी क्या नो नो दैट्स ओके कि मतलब 45 देवता था ओके okay. सर इज इट यूज्ड फॉर टेंपल 8 बाय 8 वन टू थ्री अरे बाहर जो टेंपल बड़े बनते हैं उसके लिए बड़ा हो छोटा इससे कोई मतलब नहीं पता अरे देवता तो सभी में एक दो तीन चार पांच छह कितने हो गए एक दो तीन चार पांच सात आठ एक नाइन नौ, नौ कॉलम्स सुन गए थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यहाँ लिखते हैं ऊपर ओपन वन टू थ्री फोर फाइव Six seven eight nine right one two three four five six seven eight line let's make a grid वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन राइट नाइन तो दिस इज नाइन बाई नाइन का ग्रिड नाइन बाई नाइन का ग्रिड एट्टी वन कॉलम बन जाएंगे ये हाँ एटी वन yes, 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 बन जाएंगे ये ठीक है आउट ऑफ दिस इफ एटी वन का सेंटर में नौ कॉलम लेते हैं कहाँ से नौ आएंगे इटिवंगा सेंटर ये ये आएगा दिस इज द सेंटर यस दिस इज द सेंटर करेक्ट हाँ यानी ओके सो टेक दिस नाइन टेक दिस नाइन द नाइन पदास आर भ्रमस्थान दिस नाइन पदास आर भ्रहस्थान सो ब्रह्मस्थान so, कभी भी एक बिंदु नहीं होता ब्रह्मस्थान इज ए पॉइंट इट इज द सेट ऑफ नाइन पदार्थ इन सेंटर ऑफ योर बिल्डिंग एनी बिल्डिंग एनी स्ट्रक्चर सो इन दैट वे अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो पूरी सोसाइटी को नाइन बाय नाइन ग्रिड में बांटेंगे तो उसका ब्रह्मस्थान अलग आएगा उस सोसाइटी की हर टावर का ग्रिड बनाएंगे उसका एक ब्रह्मस्थान आएगा जितने भ्रमस्थान आएगा सो एवरीवेयर कैसा है so, डेवलपमेंट का इफेक्ट आएगा बिल्डिंग की ग्रिड का भ्रमस्थान कैसा है उसे बिल्डिंग का इफेक्ट आएगा. आएगा घर की बिल्ड घर का भ्रमस्थान का इफेक्ट कैसा है उसे घर का भ्रमस्थान का इफेक्ट आएगा सो इट डेडबोर्ड कंप्लीटली Okay. Yeah, Can yeah. you please all keep your mic on mute, please? आप सब माइक से बात करेंगे थोड़ा मुझे एक बार बोलने नहीं दीजिए मुझको मौका दीजिए Then suddenly I will give you मौका Right. So अगर घर की आप जो सोसाइटी है उसका भ्रमस्थान अच्छा नहीं है तो सोसाइटी की डेवलपमेंट पे ओवरऑल ग्रोथ ऑफ सोसाइटी पे इफेक्ट आएगा कई जगह पे आपने देखा होगा सोसाइटियाँ बनती हैं पूरी नहीं बनती विकास ढंग से नहीं होता सोसाइटियों में मरम्मत ठीक से नहीं होती सोसाइटी की वैल्यू नहीं बढ़ती इनस्पाइट ऑफ द फैक्ट उसके आसपास की सोसाइटी की वैल्यू बहुत बढ़ती है उसकी नहीं बढ़ती सोसाइटी के कई सारे इशूज आपने महसूस किए जबकि आजू बाजू में ऐसा इशूज नहीं आ रही या लोकेशन जो है बहुत प्राइम है फिर भी ग्रोथ या फिर भी उसकी वैल्यू अनाउंसमेंट नहीं हो रही है उसका कारण होता सोसाइटी सतेंद्र श्री जी आपको मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं क्लास में क्या कोई इशू सत्येंद्र श्री uh, जी कैन यू प्लीज पुट योर कैमरा ऑन सतेंद्र जी ओके सो सोसाइटी का भ्रमस्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोसाइटी का अपना वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए एट द सेम टाइम सोसाइटी में जो इमारत बनी है उन सबका वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनकी डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी का कौन सा हिस्सा खाली है कौन सा भरा हुआ है सेंटर कैसा है सेंटर में कई सोसाइटीज सेंटर में फाउंटेन लगा देती हैं कई सोसाइटी सेंटर में गड्ढे कर देती हैं वो सोसाइटी का ब्रह्मस्थान खराब हो जाए सोसाइटी का वास्तु खराब हो जाता है ब्रह्मस्थान के अंदर गड्ढा कर देना फाउंटेन लगा देना सोसाइटी के सेंटर में ब्यूटी के लिए कई सोसाइटीज ऐसा डिजाइन करने की कोशिश करती है कि चारों तरफ से बिल्डिंग बना दिया और सेंटर में इन्होंने गड्ढा खोद दिया सेंटर में उन्होंने गड्ढा खोद के सेंटर में कई बार वो बेसमेंट के अंदर कुछ कुछ चीजें डेवलप कर देते हैं तो सेंटर को होलो कर देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रह्मस्थान उसका सोसाइटी का अपना गेट कहाँ से आ रहा है सोसाइटी का अपना एम एरिया कौन सा है फील्ड एरिया कौन सा है सोसाइटी की अपनी जो अंडर अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स होते हैं वो कहाँ पे दिए सोसाइटी ने तो ये सारी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं काम कैसे करता है जब इंसान कहता है कि मैं ब्रह्मस्थान मतलब वास्तु में सोसाइटी का करूं घर का करूं या फैक्ट्री का करूं या किसी दुकान का करूं तो इफेक्ट क्या है बेसिक कंसेप्ट ऑफ वास्तु इज रिमेन सेम अगर आपने बेसिक कंसेप्ट ऑफ वास्तु को पकड़ा विच मीन्स कि आपने वास्तु के नए ग्रिड पकड़ा आपने वास्तु के एलिमेंट्स अपने पांच एलिमेंट किए उनको पकड़ा आपने वास्तु के 45 देवता की अंडरस्टैंडिंग करी आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तु किसी भी जगह का कैसे कनेक्ट करता है अल्टीमेटली किसी भी जगह का वास्तु 45 देवता और पांच एलिमेंट के ऊपर डिपेंड होता है इंपॉर्टेंटली पांच एलिमेंट आप समझ चुके हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आप समझ चुके हैं क्रॉस इंटरलिंकिंग पांच एलिमेंट में कैसे है, वो आप समझ चुके हैं पैंतालीस देवता की हम बात कर रहे हैं तो पैंतालीस देवता में अभी स्टार्टिंग में ब्रह्मस्थान इज सेंटर ऑफ एनी बिल्डिंग

एटी वन में से अगर 9 ग्रिड्स निकाल दी जाए माइनस कर दिया तो बस 72 ग्रिड्स राइट मैथमेटिकली 72 ग्रिड्स ब्रह्मस्थान 45 देवता में से एक देवता निकाल दिया जाए बचे 44 देवता 44 देवता को 72 ग्रिड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है कैसे किया जाता है ये मैं अब आपको चार्ट के माध्यम से समझा रहा हूं